नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोयला नीलामी, सभी 42 कंपनियों की तरफ से मानदंडों का उल्लंघन, उचित परीक्षण की जरूरत। उड़ीसा में स्कूलों को बंद करने का नोटिस, अब वापस लौटे प्रवासियों को अंधेरे में दिख रहा है भविष्य। देश में आज फिर से 50,000 से ज्यादा नए मामले, 704 मरीजों की मौत। चुनाव के आखिरी चरण में यूपी फॉर्मूले की आजमाइश। 5 दशकों में पहली बार भारत के कोयला भंडार को निजी क्षेत्र के लिए बोली लगाने के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल 38 कोयला ब्लॉकों की नीलामी चल रही है। चूंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स अपनी संपत्ति की सूची में कोयला भंडार को भी जोड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसे में बहुत से कार्यकर्ता और पर्यावरण विशेषज्ञ भारत के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के इस कीमती हिस्से को हासिल करने वालों की जरूरी पात्रता की तरफ उंगली उठाते हुए चेता रहे हैं। एनजीओ, एनवायरमेंटल ट्रस्ट और मिनरल इनहेरिटेंस राइट्स एसोसिएशन की तरफ से किए गए एक आकलन से पता चलता है कि एक भी कंपनी प्राकृतिक संसाधनों की बोली प्रक्रिया में अक्सर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से एक मानदंड के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फिट एंड प्रॉपर पर्सन परीक्षण पर खरा नहीं उतरती है। हमारी दूसरी खबर उड़ीसा से। जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, तब दूसरे राज्यों में निर्माण क्षेत्र के मजदूर के तौर पर काम करने गए प्रवासी मजदूर भगवान हंसड़ा और उनकी पत्नी रंदई हंसड़ा लौटकर अपने गांव आ गए। उन्हें आशा थी कि अब वे अपने गांव में रुककर आगे की जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा 20 से कम बच्चे वाले सभी स्कूल को बंद करने के फैसले के चलते उन्हें और उनके जैसे दूसरे प्रवासियों को अपने फैसले पर फिर से सोचना पड़ रहा है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के मुलपोसी गांव में रहने वाले भगवान कहते हैं, हमने उस दौरान कई मुश्किलों का सामना किया। हमें लगा कि अगर हम अपने गांव वापस नहीं लौटेंगे तो हम भूख से मर जाएंगे और कोई हमारे शव को पूछने वाला भी नहीं होगा। वे आगे कहते हैं, लेकिन आप ऐसे गांव में कैसे रह सकते हैं जहां आपके भविष्य और आपके बच्चों के भविष्य में स्कूल दाखिल नहीं हो सकते। गाँव वापस लौटे एक और प्रवासी 28 साल के मेसा तुंड भी ऐसी ही भावनाएं जताते हैं। वे एक युवा पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं। लॉकडाउन के दौरान ही गांव वापस लौटे हैं। वह कहते हैं, हम अपने बच्चों के स्कूल में दाखिले को लेकर चिंतित हैं। विलय के बाद जो स्कूल बनाया गया है वह हमारे गांव से काफ़ी दूर है। अगर हमारे बच्चों के लिए यहां मौके नहीं होंगे तो हमें एक बार फिर से प्रवास के बारे में सोचना होगा। हमारी तीसरी खबर कोरोना अपडेट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 5 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 50,210 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 704 मरीजों की मौत भी हुई। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 55,331 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से 5,825 मामले कम हुए। देश भर में अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 43,64,086 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,24,315 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.10% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 92.20% हो गया है, यानी अब तक कुल मरीजों में से 77,11,809 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 6.31% यानी 5,27,962 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 11,42,08,384 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 12,09,425 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई। पहले चरण के मतदान के बाद से ही सत्ताधारी NDA के शीर्ष नेताओं ने बिहार चुनाव में अपनी रणनीति, नारे और जुमले रातों रात बदल डाले। दूसरे चरण से ऐन पहले सबसे बड़ा मुद्दा था जंगल राज का। जिस वक्त मतदान का दूसरा चरण चल रहा था, अचानक जय श्री राम को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। इसका क्या मतलब है और क्या संदर्भ है, पूरे प्रकरण पर विश्लेषण कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, आइए सुनते हैं उन्हें। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही और जिसको बीजेपी JDU के सारे नेता उन्होंने रिपीट करना शुरू किया, इसके पहले आपने देखा होगा कि 10 लाख रोजगार के सवाल पर NDA एक तरह से
उसने भी 19 लाख रोजगार की बात की, लेकिन जब देखा उसने कि ये क्लिक नहीं कर रहा है और पहले फेज में बिल्कुल क्लिक नहीं कर पाई 19 लाख की बात, लोग मजाक उड़ाने लगे 19 लाख की, तब जाकर उन्होंने जंगल राज को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। इससे भी बात अगर नहीं बनती और लगा कि शायद जंगल राज ना काफी है क्योंकि 15 साल से ये चल रहा है जंगल राज, तो फिर जय श्री राम की बात उठाई गई, मंदिर की बात उठाई गई और यहां तक कह दिया गया टॉप लीडर्स की तरफ से कि बिहार में जो लोग जय श्री राम आपको नहीं कहने देते वही लोग गठबंधन का लीडरशिप में है या ये गठबंधन उन्हीं लोगों का है। अब इसको लेकर बिहार में जब से ये बात कही गई है यानी कल से, तब से इसका मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार के बारे में लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार आसपास जरूर है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह की है उससे बिल्कुल जुदा, उससे बिल्कुल अलग बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश जैसा जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति उत्तर प्रदेश की है उस तरह की राजनीति नहीं रही है, डिस्पाइट ऑफ कि वहां पर कम्युनल राइट्स होते रहे, लेकिन उसकी जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की राजनीति है उसमें कम्युनल एजेंडा कभी केंद्रीय मुद्दा नहीं रहा, भले ही भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चलाती रही। इसलिए जय श्री राम की बात जब उठाई गई वो भी प्रधानमंत्री के स्तर पर, तो लोग बिहार में उस पर हंस रहे हैं और बिहार में वाकई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मुद्दा है, यहाँ कौन जय श्री राम बोलता है और जय श्री राम अगर बोलता भी कोई है तो उसको रोकता कौन है, वहां तो सीताराम जय श्री राम सब कुछ बोला जाता रहा है, किसी को कोई वहां पर ऐसी चिंता नहीं कि उसके आधार पर लोग राजनीति की रोटियां सेकें या चुनाव में वोट मांगने का काम करें। न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, साथ ही साथ देखिए हमारी हिंदी वेबसाइट hindi.newsclick.in। देखते रहिए न्यूज क्लिक, धन्यवाद।